मैं अपनी बाल विकास परियोजना अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको दिखाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग बाबा का पुरवा में, लखनऊ के बाबा पुरवा में, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का। यहाँ पर आंगनबाड़ी महिलाएँ जो हैं, आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ती जो हैं, उनके द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया, किस तरह से हमारे जो युवा है और हमारे जो देश का भविष्य बच्चे, किस तरह से अच्छा अनाज खा करके उनको पोषण मिले। आजकल जो लोग तरह तरह के फास्ट फूड खा रहे हैं, उसको लेके लोगों कुपोषण के शिकार बन रहे हैं, इसी की जागरूकता के लिए जो है मनाया जा रहा है, पोषण माह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे और साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लोगों से ही बात करेंगे और महिलाओं से ही बात करेंगे कि कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे और जिस तरह से 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का ये माह मनाया जा रहा है, तो उसके बारे में वो क्या कहेंगी। आइए चलते हैं अंदर, आपको लेके चलते हैं और पूरे कार्यक्रम से आपको अवगत कराते हैं। जिस तरह से आज पोषण माह मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? पोषण माह माननीय प्रधानमंत्री, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का एक लक्ष्य है कि हर बच्चों को हम लोग सुपोषित करें, और इसकी जो मेन अवधारणा वो है कि हम लोग इसे एक जन आंदोलन बनाएं। जन आंदोलन बनाने के लिए ये होता है कि हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करें, जैसे गीत बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा, और यहाँ पे कई प्रकार के कार्यक्रम कराए गए, जैसे कठपुतली नृत्य कराया गया, इसके अलावा नुक्कड़ नाटक कराया गया। तो एक तरह से मतलब लोगों में एक आकर्षण बढ़ता है और लोगों को ये पता लगता है कि हमें अपने बच्चों को खान पान कैसे रखना है, प्रेग्नेंट लेडीज गर्भवती को कैसे खान पान रखना है, इन सारी चीज़ों पे एक तरह से प्रयास किया गया। इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, क्योंकि समाज में कहीं पर भी किसी प्रकार के खाने पीने की मुख्य समस्या है कि हमें कैसे और कब कितना खाना है। तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के माध्यम से पोषण माह के द्वारा इस तरह से आज यहाँ पे एक संदेश दिया गया। क्योंकि आजकल घर में मोटा अनाज कम बनाया जाता है, मोटे अनाज पहले क्या होता था, लोग सुनने में आता है कि कोई बच्चा उतना बीमार नहीं होता था, विभिन्न प्रकार की बीमारियां नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग फास्ट फूड इत्यादि खाना शुरू किए, आए दिन बहुत से बच्चों में कुपोषण और सारी चीज़ें हो रही, तो उसको एक अच्छा संदेश देने के लिए यहाँ पे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को बताया गया कि जो श्री अन्न प्रधानमंत्री जी की अवधारणा है कि ज्वार बाजरा मक्का ये मोटे अनाज जो खाने हैं, इसे हम कैसे खाएं और कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं। से हम आपको दिखा रहे हैं पोषण माह मनाया जा रहा है बाबा के पुरवा में, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में आंगनवाड़ी महिलाओं के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया, नुक्कड़ नाटक को भी लेकर के, साथ में कठपुतली डांस को लेकर के भी रखा गया कि किस तरह से बच्चों को, महिलाओं को जागरूक करा जाए, क्योंकि हमारे देश का जो भविष्य होते हैं वो हमारे बच्चे होते हैं। जब हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हमारे देश का भविष्य का निर्माण जो होगा बहुत सुनहरा होगा। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर के कार्यक्रम को महत्वपूर्ण अपना समय भी दिया, कार्यक्रम को आगे की ओर रूपरेखा भी दिया। तो हमारे साथ में मैम है, मैम से बात करेंगे कि कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगी, क्योंकि उनके कंधों पे काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैम आपका स्वागत है, आपका पूरा परिचय मैम। जी, मैं परियोजना अलीगंज की CDPO हूँ, और यह जो कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष हम लोगों द्वारा मनाया जाता है, अगर कहा जाए तो प्रत्येक वर्ष हमें इंतजार रहता है कि हम लोग वो महीना में पूरे उत्साह के साथ लगें जो सितंबर माह होता है, पोषण माह का होता है। विभिन्न गतिविधियों के द्वारा इसको हम लोग मनाते हैं और हर साल को एक इतिहास बनाने की कोशिश करते हैं कि एक पन्ना और जुड़ जाए, और आज यही कोशिश हम लोगों के द्वारा की गई।
हमारे परियोजना की, हमारे ज़िले की तरफ से जो हम लोग परियोजना का प्रतिनिधित्व हुआ, हमारी कार्यकर्तियाँ, हमारे सुपरवाइजर्स और हम सभी एक परिवार के रूप में हमारी ये कोशिश रहती है कि हम समाज को एक अच्छा से अच्छा संदेश दें, जिसमें ICDS के जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो समाहित हों, विशेष तौर पे जो पोषण माह के एनीमिया से संबंधित, गर्भवती महिला के देखभाल से संबंधित और छः साल तक के बच्चों के प्रारंभिक पोषण और उसके बाद शिक्षा की तरफ अग्रसर होने के इन सारे कंपोनेंट को इसमें समाहित करके कई तरह के प्रोग्राम करने की कोशिश की गई है। और जहाँ तक कार्यकर्तियों के और हमारे टीम की मेहनत की बात है, हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की है कि हम समाज को एक अच्छा, एक स्वस्थ समाज का, एक सुपोषित समाज का संदेश दे सकें। धन्यवाद। सर भी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे, तो सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। सबसे बड़ी खुशी तो मुझे इस बात की है कि बाबा का पूर्वावस्थान समिति के तत्वावधान में आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और बहुत ही सलीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम की सारी रूपरेखा आपने सबके सामने रखी। दो वीथिकाओं में जो आपने प्रदर्शनी करी, एक तरफ तो भोजन और एक तरफ शिक्षा, ये वाकई में काबिले तारीफ है। कैसे आप एक देश के एक वर्ग को किस तरीके से आप शिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई चीज़ आदमी ग्रहण नहीं कर सकता। जब शिक्षित है तो कुपोषण को सुपोषण में भी बदल पाएगा। इसके लिए आप इस कार्यक्रम से के माध्यम से जन जन तक आप इस शिक्षा को पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिशंकर सक्सेना होम्योपैथ हूँ और मैंने यहाँ आकर देखा कि जो जागरूकता आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मतलब पहुंचाई जा रही है जन जन तक, वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। और उसमें जो पोषण आहार है, उसमें जैसे जंक फूड है, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे और समाज भी स्वस्थ रहे। धन्यवाद। तो हमारे साथ में सुमन रावत जी भी, तो उनसे ही बात करेंगे कि कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगी। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन, आप सभी का अभिवादन। और आज जो पोषण, राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आज यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा और शिक्षकों द्वारा, वो एक मजबूत समाज जो कि पोषण से मजबूत और स्वास्थ्य से मजबूत और एजुकेशन शिक्षा से मजबूत, उसका इन्होंने जगह जगह में जो अलग अलग हम लोगों के यहाँ पे जो स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जिसमें कैसे हम बच्चों की जब माताएं गर्भवती हैं उनको कैसा पोषण लेना चाहिए, क्यों संतुलित भोजन लेना चाहिए उसके लिए बच्चे, और उस अवस्था में उनका टीकाकरण के लिए, फिर बच्चों के जन्म से उन लोगों का जो संतुलित आहार के द्वारा उनका अन्नप्राशन कार्यक्रम को लेकर के, और गोद भराई कार्यक्रम था जो अभी, उसमें गर्भवती महिलाओं को फ्रूट्स और अन्य बहुत अच्छी पोषण चीज़ों का जो पोषण किट दे दिया गया वो, और हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा अपने गीत से जो संदेश हम लोगों को स्वस्थ रहना है और संतुलित डाइट के कारण, ये सब एक आकर्षण का और सीखने के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप सभी अधिकारियों एंड सब लोगों द्वारा किया गया। बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को भी मिला, क्योंकि नाटक के जरिए, गीत के जरिए, अपनी एक अच्छे वक्ता के जरिए जो हम लोगों तक पहुंचा है, बस कुल मिलाकर के यही है कि बहुत इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय पोषण माह और ये सबको फॉलो करना चाहिए। बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया सुमन रावत जी ने राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर के, कि जन्म से पहले 9 महीने किस तरह से बच्चों को अच्छा पोषण देना चाहिए और जन्म के बाद 6 साल तक का किस तरह से उनके खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैम क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा पोषण माह सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें अलीगंज परियोजना के इस कार्यक्रम में मैंने भाग लिया, ये बहुत ही सफल कार्यक्रम था। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, सुपरवाइज़र, CDPO सब का अभूतपूर्व योगदान रहा, सब ने बहुत अच्छा काम किया। एग्जीबिशन भी है, वो देखने लायक है, और छोटे से स्थान पर गागर में सागर भर दिया और हमें ये अच्छी तरह से बता दिया कि विभाग किस तरह से काम करता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का की भूमिका हमारे समाज में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक स्वस्थ नागरिक बनाने के लिए वो उस क्षण से कार्य कर रही हैं, जबकि हमारे देश का वो नागरिक अभी गर्भ में ही है।
अतः इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इनके किए द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जितनी सराहना की जाए वो कम है। धन्यवाद। क्योंकि आंगनवाड़ी जो कार्य करती है उनका आंगन ही जब वो रहेगा और आंगन को वो अच्छे से ही मैनेज करेंगे और अच्छे संतुलित करेंगी तो उनकी जो वाड़ी होती है वो ऑटोमेटिकली जो है खिली भरी रहेगी। तो हमारे साथ में मैम है, मैम से बात करेंगे कि कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगी जिस तरह से राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। तो आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुलता सिंह है, मैं अलीगंज की सुपरवाइज़र हूँ। जैसे कि पता है कि राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाता है। इस पोषण माह के अंतर्गत हम मतलब अपने सभी लाभार्थियों को जागरूकता का संदेश देते हैं। गर्भवती धात्री छोटे बच्चे जितने भी हैं उन सबको अच्छी पोषण की शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। इन सब में अगर देखा जाए तो हमारी आंगनवाड़ी बहन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारी गवर्नर मैडम ने भी उनको एक यशोदा माँ का रूप कहा है कि आंगनवाड़ी निसंदेह एक यशोदा के रूप में है। क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र पे जो बच्चा आता है, जो एक माँ आती है, जो एक बेटी आती है, उसको अपने बच्चे की तरह जो लाड़ प्यार दुलार और जो संस्कार आंगनवाड़ी देती है वो निसंदेह बहुत ही प्रशंसनीय है। तो आंगनवाड़ी बहन के लिए मैं दो लाइन कहना चाहती हूँ कि हम आंगनवाड़ी हैं तो क्या किसी से कम है, हम आंगनवाड़ी हैं तो क्या किसी से कम है। मेरे आंगन में भी आती हुई किसी की माँ, किसी का बच्चा, किसी की जान है। हम आंगनवाड़ी हैं तो क्या किसी से कम है। सुंदर लाइन बोला। तो मैम हमारे साथ में हैं अंजना मैम जी, जो उनसे बात करेंगे क्या कहना चाहेंगी। तो मैम आपका क्या कहना चाहेंगी? मेरा नाम अंजना सिंह है, मैं बाल विकास एवं पुष्टाहार में मुख्य सेविका के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी परियोजना अलीगंज है और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो है शक्ति जो है ये बहनें हैं, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बहनें। अगर ये ना हो तो इनके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही हमारी शक्ति है, यही हमारा संबल है। तो मैम 1 सितंबर से 30 सितंबर तक का पूरा माह मनाया जा रहा है तो तैयारियों को इतना समय लग गया था मैम? धीरे धीरे सब मिल के तैयारी हो गई, ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि हमारे हाथ इतने सारे हैं तो सबने सहयोग किया तो इसलिए समय नहीं लगा, सबने मिलजुल के काम कर लिया। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो अंजुलता हूँ, मुख्य सेविका सुपरवाइजर। मैं ये कहना चाहूँ मेरी आंगनवाड़ी के द्वारा जन जन रैलियाँ निकाली जा रही हैं, समाज में स्टॉल लगाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है राष्ट्रीय माह के दौरान। माह सितंबर में सभी आंगनवाड़ी अपने अपने केंद्र पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करा रही हैं और जन जागरूकता फैला रही हैं जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। ठीक, तो आज हम आपको लेकर थे बाबा के पूर्वा में लेकर, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक का, जहाँ पे जगह जगह पे आपका स्टॉल भी लगे हुए हैं। आंगनवाड़ी महिलाएं जो है अपनी कलाओं के द्वारा जो है सभी को जागरूक कर रही हैं। जिस तरह से आप पूरे क्षेत्र में देख रहे होंगे, आप पूरे जगह देख रहे होंगे कुछ ना कुछ लगा हुआ, और महिलाएँ जो हैं किस तरह से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए राष्ट्रीय पोषण दिवस आज मनाया गया बाबा के पूर्वा में। जहाँ पे आए हुए सभी लोगों से हमने बात करा तो उन्होंने बताया कि बच्चों को जन्म से पहले भी और जन्म के बाद भी उनके खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और मोटे अनाज के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए, जिसको लेकर के यहाँ पे सारी व्यवस्था करी गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ती महिलाओं के द्वारा और यहाँ की सुपरवाइज़र अंजना मैम के द्वारा। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ में। ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।